अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आप देख रहे हैं अरसल टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फ्लटर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूं कि किस तरह हम पीडीएफ फाइल को ओपन करते हैं फ्लटर ऐप में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। सो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले आपने अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को ओपन करना है जिसमें आप पीडीएफ फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली मेरे पास जो मेरी मेन फाइल है डॉल्ट फाइल, वो मेरे पास ओपन है, ठीक है। अब आपने बेसिकली करना क्या है कि हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली एक आप ये कह लें कि प्लगइन है, लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करते हुए हम जो फाइल है उसको ओपन करेंगे फ्लटर ऐप में। सो अब हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम आएंगे इंस्टॉलिंग में। इंस्टॉलिंग में आने के बाद जो इसकी डिपेंडेंसी है हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास साइट पर प्रोजेक्ट हायरार्की में यहाँ पर pubspec.yml फाइल है, इसको ओपन करते हुए हम यहाँ पर डिपेंडेंसीज़ में इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल अप भी हैं तो स्क्रॉल डाउन करके आप डिपेंडेंसी के पोर्शन में आकर आप इसको सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब आपने याद रखना है कि इंडेंटेशन इसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब ये फ्लटर यहाँ पर यूज़ हुआ है तो इसके बिल्कुल लाइन में ही आपने ये डिपेंडेंसी यूज़ करनी है। बेसिकली गेट कमांड है, हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये लाइब्रेरी हमारे प्रोजेक्ट में एड अप हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो लाइब्रेरी थी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड अप हो चुकी है। उसके बाद आप सिंपली इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो सेकंड ये कह रहा है कि आपने गेट कमांड यूज़ करनी है और थर्ड आपने इसको इंपोर्ट करना है और इसको यूज़ करना है। सो हम यहाँ पर रीडमी के पोर्शन में जाते हैं तो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि इसमें हम जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो पाथ से भी ओपन कर सकते हैं, हम एसेट से भी ओपन कर सकते हैं और हम यूआरएल से भी ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर बॉटम पर देखें तो हमारे पास सेटअप है जहाँ पर बताया गया है कि जो iOS है उसके लिए आपने क्या करना होगा कि सपोर्ट फाइल यहाँ पर ऐड करनी होगी info.plist में। आपने सिंपली उसकी की को ऐड कर देना है अगर आप iOS के लिए यूज़ करना चाहते हैं और उसकी वैल्यू सेट कर देनी है येस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो डिफ़ॉल्ट पेज है वो तो हमें डिफ़ॉल्ट जो प्रोवाइड एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए प्रोवाइड किया गया है। तमाम चीज़ें व्यू क्रिएटेड, ऑन पेज एरर नहीं यहाँ पर है, इसमें फिट पॉलिसी नहीं है, बाकी फाइल पाथ और नाइट मोड इसमें नहीं आता, ये iOS के लिए नहीं है लेकिन एंड्रॉयड के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। पासवर्ड भी अवेलेबल है, ऑटो स्पेसिंग, पेज फ्लिंग और पेज स्नैप, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब हम बेसिकली करेंगे क्या कि जो एसेट्स है उससे ही हम फाइल को ओपन करेंगे पीडीएफ फाइल को। तो ये जो तमाम इसकी इम्प्लीमेंटेशन है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इस pubspec फाइल को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप बॉडी में इसको यूज़ करना चाहते हैं इस कोड को, तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऑलरेडी सेंटर जो है वो यूज़ हुआ हुआ है तो ये विजेट मैं नहीं करूँगा यूज़, इसकी जगह मैं ये जो मेरी पीडीएफ है इसको मैं इम्पोर्ट कर दूँगा। अब ये आपको एरर देगा बिकॉज आपकी जो लाइब्रेरी है वो यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, इम्पोर्ट लाइब्रेरी, तो आपका ये एरर तो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको फाइल प्रोवाइड करनी होती है जो हमारी पीडीएफ फाइल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो फोल्डर है जो रिसोर्स डायरेक्टरी है वो हम क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। डायरेक्टरी का नेम हमारा जो होता है वो आपको पता है कि जो इमेजेस हों या कोई भी फाइल हो तो वो एसेट्स में ही स्टोर की जाती है। अब इसके अंदर सब डायरेक्टरी हम क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा पीडीएफ। अब जो हमारी फाइल होगी वो बेसिकली हम इस पीडीएफ फोल्डर के अंदर यहाँ पर कर देंगे। सो मैं यहाँ पर एक फाइल जो यूज़ कर लेता हूँ sample.pdf, इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके इस डायरेक्टरी के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसका फाइल का नेम क्या है, sample.pdf। तो ये जो मेरी फाइल है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ sample.pdf और अब हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम pubspec में आएंगे और यहाँ पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो ये एसेट्स का पोर्शन है। अब आप क्या करेंगे, बेसिकली ये जो एसेट्स हैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे जो भी आपने यूज़ करने होते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली इमेज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कर रहे हैं पीडीएफ, सॉरी यहाँ पर आएगा सबसे पहले एसेट्स स्लैश पीडीएफ और यहाँ पर हमारी आ जाएगी sample.pdf।
तो ये जो हमारी एसेट्स है, जो पीडीएफ फाइल है, उसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे फाइल को। फाइल को क्लोज़ करने के बाद हम अपनी यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें, स्वाइप हमारे पास ट्रू हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्वाइप भी ट्रू है, ऑटो स्पेसिंग हमने फॉल्स की हुई है, पेज फ्लिंग हमने फॉल्स किया हुआ है, तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेटिंग है इसकी। तो अब हम रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को और देखते हैं कि किस तरह हमारी फ़ाइल जो रन हमें विजिबल होती है। अब ये कह रहा है पब स्पेक फाइल जो वो एडिट हुई है, तो आप इसे गेट डिपेंडेंसीज करते हैं या इग्नोर करते हैं ये आप तक है। हमने कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं की, सो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पर हम अगेन देखते हैं, अब अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पर स्वाइप कर रहे हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज था, अब हमारे पास सेकंड जो हमारा पेज है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको अपने फ्लटर ऐप में यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है इस फ्लटर ऐप में पीडीएफ फाइल की। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से, इस टॉपिक से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अरसल डैक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।